सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सबके। और स्वागत है आपका मेरे चैनल यानी कि सुपीरियर बाइट्स में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 ऐसे सीक्रेट शॉर्टकट्स के बारे में विंडोज 10 के, जिससे आपको माउस यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू नीड अ कीबोर्ड एंड यू कैन कंटिन्यू योर जॉब। और इससे आपको बहुत मदद होने वाली है। अगर आप प्रोफेशनली कंप्यूटर पर काम नहीं करते और नॉर्मली कैजुअल यूजिंग करते कंप्यूटर की, तब भी आपको ये सब पता होने चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जल्दी से 10 बहुत ही मददगार और काम के शॉर्टकट्स बताते हैं विंडोज 10 के। और विंडोज 11 की भी वीडियो आ रही है शॉर्टकट्स के बारे में ही। तो यही, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर पे, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम आपको बता सकें लाइव डेमो के साथ। तो जल्दी चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपने पीसी पे। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, मैं साइड में शिफ्ट कर लिया अपनी वीडियो। और यहाँ से अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ वर्चुअल डेस्कटॉप के बारे में। जी हाँ, मैं जानता हूँ इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, लेकिन वो बहुत लॉन्ग है और आपका इंटरेस्ट मैं जानता हूँ नहीं बनता लंबी वीडियोज़ में। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। मानिए कई सारे आपने टैब खोले हो, कई सारा काम चल रहा है, लेकिन आपको एक फ्रेश टैब चाहिए और आप उसे हटा नहीं सकते। देन यू कैन शिफ्ट टू अ न्यू डेस्कटॉप। जी हाँ, मॉनिटर लेने की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअल डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं और आपके विंडोज 10 में ये फीचर है। ठीक है, और अगर आपको डेडिकेटेड उसकी वीडियो नहीं है, मैंने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, सो आपको बस दबाना है कंट्रोल विंडोज़ की और डी, और आप देख सकते हैं भैया सामने हमारा नया डेस्कटॉप खुल चुका है। और आपका सिर्फ एक दो तक सीमित नहीं है, आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं। 20 30 40, ये देखिए दो हो चुके हैं, 3 4 5 6, बस बना लो। ठीक है, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप जानते हैं कि आप वर्चुअल डेस्कटॉप बना चुके हैं, कई सारे डेस्कटॉप आप खोल चुके हैं, लेकिन जो आपने पहले डेस्कटॉप पे काम किया, क्या वो हमेशा के लिए इरेज हो चुका है, साफ़ हो चुका है, या फिर उसके ऊपर वापस कैसे जाने, दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, है ना। तो उसका भी एक सोल्यूशन है, आप स्विच कर सकते हैं हर डेस्कटॉप के। जैसे मैंने अभी 6 खोले हैं, तो उसके ऊपर मैं दिखाता हूँ आप कैसे स्विच कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इजीली कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। आपको मैं अभी पीसी में लेके जाता हूँ, फिर आप देखिएगा। ठीक है, तो देखिए गाइस, हम डेस्कटॉप पे दोबारा आ चुके हैं। और अगर आपको इसे चेंज करना ही है, तो आपको बस सिंपली कुछ नहीं करना है, बस आपको दबाना है कंट्रोल विंडोज़ की और एरो बटन लेफ्ट और राइट वाले। ठीक है, आपको सामने आ गए होंगे यार, समझ आ गया होगा। अब आप देख सकते हैं मैं इसे स्विच करूँगा, अभी 6th पे है ना, तो 5 पे चलते हैं। ये दबाया एरो की, उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं 1 पे आ गए हम। ठीक है, ये 1 पे है, मेरी टीम्स वगैरह खुली हुई है, आप ऐसे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, नॉट अ बिग डील, ये है आपकी छोटी सी ये। अब तीसरे पे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको उन वर्चुअल डेस्कटॉप को डिलीट करना है, बारी बारी डिलीट होंगे, तो सिंपल है, जो आपको डेस्कटॉप डिलीट करना है उसके ऊपर आइए। जैसे मेरे 6 खुले हुए थे, उनमें से अगर मैं 6th वाले पे जाऊँ, और आपको बस सिंपली दबाना है कंट्रोल विंडोज़ की और F4, F4 डिलीट हो जाएगा, उससे वो विंडोज़ डिलीट हो जाएगी। और आप जो जो विंडोज़ डिलीट करनी चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं, और आप जितनी चाहिए खोल सकते हैं, दिस इज़ इट। और आप आगे बढ़ते हैं यार, तीसरे पॉइंट पे ये मैं बताना भूल गया था, आप कर ही लेंगे यार, इतना क्या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो दोस्तों थर्ड शॉर्टकट की बात करें, तो आपके जो विंडोज़ है उसके ऊपर आप कई सारे टैब खोलते हैं, गूगल हो गया, फाइल एक्सप्लोरर हो गया, और बहुत सारी ऐप्स होगी जो आप जानते हैं खोली होती है। मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ तो आएगा नहीं, इसे आपको कंप्यूटर के ऊपर जाके दिखाएंगे, वरना आप कहते हैं भाई दिखाया तो है नहीं, क्यों हम माने, है ना। तो जल्दी चलते हैं यार। तो दोस्तों हम दोबारा आ गए भैया वहीं पे। और जैसे आपने कई सारी ऐप्स खोली होती है, जैसे मैंने विंडोज़ खोली, फायर एक्सप्लोरर हो गया, मेरी ऐप होगी, ये फ़ोटोशूट हो गया, ये अलग अलग ऐप्स मैंने खोली है ना। तो ये जैसे अभी लोड होगी, इतनी सारी ऐप्स खुल गई हैं, लेकिन आपको स्विच करना है ऐप्स के बीच में, और आपको सारी मिनिमाइज़ करनी है, ताकि आपका ज़रा वो टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये फाइल खुलती जा रही है, कई सारी चीज़ें, अब इसे हम एक बारी में मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और आपको कुछ नहीं दबाना है, सिंपल है यार, ज़रा आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। आपको विंडोज़ की दबानी है और एम दबाना है। अब देखिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं ओपन, है ना, मतलब कुछ ओपन हो रही हैं। तो ठीक है, आपको बस विंडोज़ की और एम दबा दिया, और ये देखिए सारा हो गया मिनिमाइज़। फिर आपको यार सबूत दे देते हैं ना, ईजी रहता है। और ये जैसे हमने कई सारी ऐप्स खोली हुई हैं और आपको सिर्फ डेस्कटॉप को देखना है, तो बस आपको विंडोज़ की और कोमा एम के साथ वाला जो बटन है वो दबाना है, फिर आपको ऐसे डेस्कटॉप दिख जाएगा। लाइक मैंने ये है ना खुली हुई, तो ये मैंने दबाया और कोमा, बस ये हट गया। और जैसे मैं इन बटन को छोड़ दूंगा तो दोबारा आ जाएंगे सामने। ठीक है, तो दोस्तों हाँ, अब चौथे शॉर्टकट के बारे में बात कर ही लेते हैं, जल्दी वीडियो ख़त्म करनी है। तो स्प्लिट स्क्रीन है अगला यार, आपको पता ही होगा मतलब, है ना। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ, बताऊँ क्या, दिखाई देता हूँ ना क्या जल्दी है ना। तो ज़रा पीसी पे चलते हैं, जल्दी से आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो, हम जैसे आपको पता है हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट हमें करना आता है ना। तो कॉपी पेस्ट करने को हमें क्या करना होता है, जैसे हम अभी विकीपीडिया पे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और विकीपीडिया से हमने मानो कुछ कॉपी किया, ऐसे कॉपी कर लिया, सिंपल है या नो,
उसके बाद हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए हमें इसे मिनिमाइज करके दूसरी ऐप कंसीडर एट जैसे वर्ड पे हम करते हैं, यहाँ हमें पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, तो उसका सिंपल तरीका क्या हो सकता है ना, सिर्फ कंट्रोल सी कंट्रोल पी मैं मानता हूँ सिंपल है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मिनिमाइज वगैरह वाला झंझट हटाने की, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको बस बताना है स्टार्ट बटन और एरो। आप देखिए ये आ गया इस साइड पे, और ये देखिए दूसरी साइड आपकी विकिपीडिया है भाई साहब, आ गए। अब स्टार्ट बटन और लेफ्ट को दबाएंगे तो आप देख सकते हैं, एक मिनट इसे क्लिक करते हैं, ये देखिए आपका सेट हो चुका है, और बस हल्का सा सेट करके आप सीधा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नॉट अ बिग डील यार, थोड़ा सा वो बटन मुझसे गलत दबे थे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। यही थी आपकी फोर्थ ट्रिक, और इसके बाद चलते हैं हम अपनी फिफ्थ ट्रिक पे, आवाज़ आ रही है ना। तो दोस्तों आखिरकार हम आ चुके हैं अपनी फिफ्थ ट्रिक के ऊपर, और मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ी स्पीड बढ़ा लेता हूँ आवाज़ की। तो बात यह है कि हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे स्विच कर सकते हैं ऐप के बीच में। जैसे हमने कई सारी ऐप खोली हुई हैं, आपको बार बार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कंसीडर कर लो। आपको मैं अब पीसी के ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, बहुत तेज़ हो गया, आई नो। तो दोस्तों हम दोबारा आ गए अपने पीसी पे, यहाँ देख सकते हैं गूगल खुला हुआ, फाइल एक्सप्लोरर खुला है, पीछे व्हाट्सएप भी खुला हुआ है। और अगर आपको स्विच करना है, मानो गूगल से डाटा उठा के यहाँ सेंड करना है, व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आपने कॉपी किया, चलो ठीक है ओके कॉपी कर लिया। उसके बाद आपको दबाना है ऑल्ट टैब, ये आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा, और आपको ये दबाने के बाद टैब को बार बार दबाना है, जो जैसे अभी व्हाट्सएप पे है, ठीक है, अब मुझे फाइल एक्सप्लोरर पे जाना है, ऐसे ये सर्कल में घूमता रहेगा, ये फाइल एक्सप्लोरर आ गया, ये आपके सामने आ जाएगा फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहे। अब मैं दोबारा गूगल में जाना चाहूँ, ये सेकंड नंबर पर गूगल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैं जाऊँगा, दोबारा आपके सामने गूगल आ चुका है। ठीक है, सो दिस इज़ अ सिंपल थिंग, और इतनी सी बात थी यार। तो अभी जल्दी से सिक्स पे चलते हैं, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, मेरी बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और आपको मज़ा आता ही नहीं यार देखने में, सब्सक्राइब आप करते ही नहीं, लाइक आप करते ही नहीं। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं नंबर सिक्स पे। तो बात करें नंबर सिक्स की, तो मुझे इसका नाम नहीं एक्चुअली मुझे याद आ रहा, मतलब मैं बना नहीं पा रहा हूँ नाम, लेकिन आपको मैं सिंपली बताऊँ इसमें होता क्या है। तो इसमें जैसे आपके मेन ऐप्स हैं, जैसे हम गूगल वगैरह यूज़ करते रहते हैं, उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर वगैरह जो होता ही है, उसे हम पेन करके रखते हैं ना, तो उसे ओपन करने का सिंपल तरीका, माउस को यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं ना स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा, आप मानते नहीं है लोग, तो मैं आपको दिखाऊंगा, यू विल एंजॉय इट। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। दोस्तों अभी हम यहाँ आ चुके हैं या डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, है ना। तो जैसे हम मैंने यहाँ पिन करी हुई है, कई सारे ऐप्स पिन करी हुई हैं, ये गूगल हो गया, फाइल एक्सप्लोरर हो गया, है ना। तो आपकी ये इंपॉर्टेंट ऐप्स जो होती हैं वो आप पिन कर लेते हैं ताकि आपको ढूंढ के नहीं करना पड़े। ठीक है, तो माउस के साथ आपको ऑन करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप सिंपली ऑन कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 9 ऐप्स रखिएगा टास्क बार पे नीचे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, स्टार्ट बटन विंडोज़ बटन पे दबाना है, और उसके बाद जैसे मैं अभी फाइल एक्सप्लोरर खोलना चाहूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं दूसरे नंबर पर ना तो 2 दबाऊँगा, ये देखिए फाइल एक्सप्लोरर खुल गया। अब इसके बाद मैं टीम्स ऐप खोलना चाहूँ या फिर मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, ठीक है, क्या नंबर है, 7 है ना, 9 तक रखना चाहिए आपको, ईजी रहेगा। तो ये देखिए अभी व्हाट्सएप की लोडिंग शुरू हो चुकी है और ये ओपन हो जाएगा। ऐसे ही आप कई सारी ऐप्स खोल सकते हैं, और बहुत इजी तरीका है, जैसे आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है। तो अभी इसे है ना कट कर देते हैं, ठीक है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पे, सो यू विल एंजॉय इट, सो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करें नंबर 7 की, तो ये है आपके अगर कई सारी ऐप्स खुली हैं, यार बहुत बार मैं बोल चुका हूँ ये, ठीक है। तो उसके बाद आपकी अगर कोई ऐप काम करना बंद कर जाती है और आपको ना चाहते हुए शट डाउन करना पड़ रहा है पीसी, जिससे आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है काम का, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेम्बर, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस ऐप को बंद कीजिए जिसमें वो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन भैया होती तो है नहीं ना सिंपली। तो आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ यार, सुनिए तो सही, मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि भैया हम ऐप मेरी सारी चल रही है, मैं ट्राई कर लिया, नहीं वो और कोई इशू उसमें, वरना मैं आपको दिखा देता हूँ, यू नो ना, है ना। तो आपको कुछ नहीं बताया, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, उसके बाद आपके सामने टास्क बार सा खुल जाएगा, एक मतलब फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर आगे एक क्यों खुल जाएगा, और वहाँ से आप उस एप्लीकेशन को फोर्स शट डाउन ईजिली कर सकते हैं, और वहाँ पे आपकी कमांड्स मानी जाएंगी, ठीक है। तो उससे वो फोर्स शट डाउन हो जाएगा, बस उस ऐप का डाटा लूज होगा जो आप तब कर रहे थे, सारे डाटा से तो अच्छा ही है ना, तो दिस इज़ अ मच बेटर ऑप्शन देन, ठीक है। ये याद रखना है गाइस, ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैं कहना चाहूँगा, शोक मैं कर नहीं पाया उसके लिए सॉरी। अब जल्दी से नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, और यू विल लव इट, आई एम टेलिंग यू। अब बात करते हैं नंबर 8 की, और आपको ये विजुअलाइज करो पहले आप, ठीक है,
कंसीडर यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो और बहुत ही मज़ेदार गेम खेल रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन गेम्स हो, ऑफलाइन गेम्स हो, एक्सबॉक्स गेम्स हो, जैसे चाहे गेम्स हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि वो आप कभी भूलो ना, ठीक है। आई यू ऑलवेज वांट दैट यू वांट रिकॉर्ड इट, ठीक है। वो रिकॉर्ड करके रखना चाहते हो क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ थी, है ना, बैटल वगैरह जो भी हुआ कंसिडर, है ना, तो रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो उसके लिए फीचर आपके कंप्यूटर में ही इन है, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, शॉर्टकट की को। अब ज़रा पीसी पे चलते हैं ना। अब दोस्तों जैसे मैं आप देख सकते हैं, मैं दोबारा पीसी में आ चुका हूँ, हर बार मैं आ रहा हूँ एक को छोड़ के, है ना। तो अगर आपको गेमिंग रिकॉर्डिंग करनी है, और आप ये इससे स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं दबाना, बस विंडोज़ की और गेमिंग का जी, ठीक है, जी दबा देना। आप सामने देख सकते हैं ये सब आ गया, ओके। तो यहाँ से आप एक्सबॉक्स ये वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ से आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, ये सारे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आपको सीपीयू वगैरह की परफॉर्मेंस भी ये बता रहा है, या मिनिमाइज वगैरह कर देना, और वॉइस वगैरह मतलब सारी सेटिंग करके आप स्ट्रीम भी कर सकते हैं यहाँ से। सो दिस इज़ इट गाइस, एंड यू विल लव इट। पढ़ते हैं आखिरी दो बताते हैं गाइस जल्दी से, है ना। वही नंबर 9 की बात करें, छोटा सा आपकी शॉर्टकट की है, और ये काम तो मतलब आएगी, मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है ऐसे, ठीक है। बस ये शॉर्टकट है, जैसे अभी तो मैंने बता दिया ना, वो सीधा वो पिन करके टास्क बार से दिखाने का, है ना। तो उसे छोड़ के अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर पिन नहीं करना या फिर कर नहीं सकते वगैरह वगैरह, तो आप सीधा फाइल एक्सप्लोरर खोलना चाहते हो, तो उसकी भी एक शॉर्टकट है। और उसे ओपन करने का बहुत सिंपल तरीका जो है, वो बस सिंपल है यार, आपको हर बात में विंडोज़ की आ रही है ये शॉर्टकट्स, मतलब विंडोज़ के हैं तो विंडोज़ की वो हर जगह यूज़ करवा रहे हैं, जो नॉर्मली वो यूज़ नहीं होती है। तो विंडोज़ की प्लस ई दबा दीजिए, आपका फायर एक्सप्लोरर खुल जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाने लगा, ये छोटी सी चीज़ है, हर चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ट्राई कर सकते हैं ना। तो अब जल्दी आखिरी वाले पे चलते हैं, और ये आपके काम आ सकता है, आई एम टेलिंग यू। तो आखिरी नंबर 10 की बात करें, तो आई विल नेम इट द मैग्नीफायर, ठीक है। ये एक आप ऐप कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर में होती है ये, और इससे आप किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका कर्सर आपको लेके जाना है, और बस आपको ये दबा देना है, ठीक है। जो शॉर्टकट की मैं आपको आगे दिखाऊंगा ना, वहीं पे बताएंगे, ठीक है, वरना आप देखते नहीं हो। तो यहाँ पे आपको कर्सर लेके जाना है, और वहाँ पे दबा के उस वहाँ पे जूम इन कर सकते हैं, वहाँ आपको पूरा वो सॉफ्टवेयर शो हो जाएगा कितना जूम इन करना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जल्दी से डेस्कटॉप पे चलते हैं, और ये वीडियो को ख़त्म करते हैं जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों जैसे हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं आखिर में, और आपको मैं बताने जा रहा हूँ मैग्नीफायर ऐप के बारे में। अब जैसे मेरा आपको कर्सर यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्क्रीन में, तो अगर मैं जैसे ये लिखा हुआ है विपुल पिक, है ना, तो यहाँ मैं अगर इसे मैग्नीफाई करना चाहूँ, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है यार, आपको बस दोबारा विंडोज़ की और प्लस को दबाना है, मैग्नीफाई हो जाएगा, और आपकी विंडोज में मैग्नीफायर ऐप भी खुल जाएगी। ये देखिए ये आ गया। अब आपको दोबारा प्लस कीजिए, 200 टाइम्स हो गए, मतलब आप ऐसे ये माउस के साथ आप जहाँ चाहें लेके जा सकते हैं इसे मैग्नीफाइड एरिया को दिखाने के लिए, ठीक है। और बाकी तो सिंपल ही है यार, आपको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो दैट, है ना। तो ये माइनस कर देते हैं, बाकी आ जाते हैं नॉर्मल पे। सो शायद मेरे ख्याल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शो ना हो, आई डोंट नो, लेकिन अगर आपको हो गया हो तो बता दूंगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है, और ये बस ठीक है, ये आप कितना जूम इन कर सकते हैं, 10 टाइम तक जूम इन कर सकते हैं, ये 600 हो चुका है। सो ठीक है, 10 टाइम जूम इन कर सकते हैं, यहाँ 1000% आ जाएगा, सिंपल, हाँ। सो दैट्स इट गाइस, और ये थी आज की वीडियो, वीडियो के बारे में आपको आके बता। तो गाइस फाइनली हमने विंडोज 10 के सारे शॉर्टकट कीज़ को आपको बता दी, मतलब और भी होते हैं, लेकिन वो जैसे आप कह सकते हैं छोटे मोटे होते हैं, वो ज़्यादा काम नहीं आते, इसलिए मैंने वो नहीं बताया। फाइल एक्सप्लोरर भी छोटा था, लेकिन या यू नो 10 तो कंप्लीट करने थे ना, सो उसके लिए मैंने वो भी बता दिया, दैट नॉट अ प्रॉब्लम। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी फायदा हो सके ना भाई। और 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 300 अगला टारगेट है, जल्दी कराओ यार, बहुत टाइम हो चुका है 200 पहुंचने में ही। और मेरे और भी दो चैनल है, यू नो दैट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सुपीरियर फैक्ट फैक्ट्री फैक्ट चैनल और सुपीरियर ब्लॉगर ब्लॉगिंग चैनल, सो यू मे ऑल्सो सब्सक्राइब दैट। और वैसे भी बहुत कम सब्सक्राइबर है उस पर, तो बहुत ही कम है, आई एम लिटरली सेइंग दैट। सो या होप यू एंजॉय दिस वीडियो, बाय बाय सिग्नेचर।